हम आज बनाने जा रहे हैं चोंगे। चोंगे के लिए लिया है मैंने एक कटोरी मैदा। मैदे में मैं थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ। उसके बाद उसमें मोहन के लिए मैं घी डालने वाली हूँ, देसी घी। 3 से 4 चम्मच देसी घी डालिए और इसको अच्छे तरह से मिला लीजिए जब तक आटे में घी मिल ना जाए। और उसके बाद मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। थोड़े एक भाग में मैंने थोड़ा सा केसर डाला है, दूसरे में डाल रही हूँ हरा कलर, ग्रीन कलर, और तीसरा हम वैसे ही रखेंगे, और चौथे में डालेंगे रेड कलर। तो ऐसे हमने 4 बाउल बना लिए। देखिए ऐसे आटा गूंथ के गोल गोल गप्पे जैसे हमने 4 बना लिए। अब इसको हमने साठा तैयार किया है, जो घी होता है, घी के अंदर मैंने चावल का आटा डाल के साठा बनाया। अब जो मैंने आटे के गोल गोल बाउल बनाए थे उसको हम लोग अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसमें एक पैन में मैंने घी डाला है, आधा घी डाला है, आधा तेल डाला है। तो इसको अच्छा गर्म होने देंगे हम। मीडियम फ्लेम पे रखिए, गर्म होने दीजिए। एक पतीले में हमने 2 1/2 कटोरी पानी डाला है और 1 कटोरी शक्कर डाला है। ये हम चाशनी बनाने के लिए रख रहे हैं, जो चोंगे होते हैं ना उसमें भिगाया जाता है। और ये 4 रोटियों जैसे हमने बेल लिया है। अब इसको हम चावल के आटे का जो घी का साठा बनाया है वो लगा रहे। तो एक एक पीस करके लगाइए और बेलती जाइए। तो 4 हमने बेल के रखे थे, मैंने साठा लगा दिया। अब इसको हमने एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया है। अब इसको हम रोल करेंगे। ये लास्ट वाला पीस है, इसको भी साठा लगा दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मैदा डालना चाहिए और इसको अच्छे से दबा कर रोल बना लेना चाहिए। देखिए इस तरह से दबाइए धीरे 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 धीरे, लेकिन अच्छा उसको चिपकना चाहिए, खुल ना जाए बेलते समय। तो अच्छे से धीरे से बनाए। अभी इसको हम कट कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से कट हो रहे, बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिए, क्योंकि जो चोंगा बनाते हैं हम उसकी लेयर पड़नी चाहिए। तो देखो कितनी प्यारी लेयर दिख रही है, इसके अंदर कलरफुल दिख रहा है। तो ज़रूर बनाना है इसे। देखिए इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया है। अब इस पेड़े को हम लोग तिरछा दबो देंगे। इस तरह से दबाने से पेड़ा खुलता नहीं है। इस पेड़े को हल्के हाथों से तिरछे से दबाना है तो हमारे डिज़ाइन भी दिखेंगे। इस तरह से पेड़े सब मैंने बना के रख लिए। अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, आराम से बेलिए। तो इसकी जो लहर है ना वो खुल जाती है, खस्ता हो जाती है ये। अब मैंने एक तरफ पैन में तेल गरम करने के लिए, घी गरम करने के लिए रख दिया था। अभी धीमी आंच पे इसको हम लोग फ्राई करेंगे और जो गरम तेल है ना उसके ऊपर डालना चाहिए। तो लेयर क्या है, अपने आप खुल जाती है। देखिए कितनी प्यारी सी लेयर खुल गई, देखिए, और खस्ता भी हो गई है। तो ये मैंने नए तरीके से, नए टाइप के शबाना स्टाइल में चोंगा बनाया है। इसको ज़रूर ट्राई करना आप। देखिए और चाशनी मैंने बना के रखी थी एक साइड में, तो इसको मैंने उसमें डुबो दिया। देखिए दूसरा बना रही हूँ मैं अभी। तो इस तरह से सभी पेड़ों को हम लोग बनाएंगे और पैन के अंदर तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने एक एक करके सभी सभी को ऐसे फ्राई कर लिया है। इस तरह से लेयर खुलनी चाहिए, हमेशा इसके ऊपर गरम तेल डालना चाहिए और फटाफट तल लेना चाहिए। और जैसे भी मैंने शकर का पाक बताया आपको, उसमें डीप डीप करना चाहिए। देखो इस तरह से हम लोग जो चाशनी बना के रखे हैं ना उसमें डीप डीप करना चाहिए। आप अगर बना के रखना चाहते हो तो साइड में बना के भी रख सकते हो, और जब आपको खाना है तो शकर के पाक में आप डीप डीप करके खा सकते हो। सिर्फ डीप करके पहले नहीं रखना है, जब खाना है आपको आप फ्राई करके रख देते हो, तल के रख सकते हो, लेकिन डीप करना है तो बाद में कर सकते हो, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के चोंगे ज़रूर बनाना आप। देखिए सभी चोंगे बन के तैयार हो गए और कलरफुल, हर कलर का उसमें रंग दिख रहा है आपको, ऑरेंज, ग्रीन, रेड और वाइट। इस तरह से मैंने अलग तरीके से शबाना स्टाइल में चोंगे बनाए। आप भी ज़रूर बनाना और ज़रूर ट्राई करना, इतने अच्छे लगते हैं कि बच्चे भी खाते हैं उसको। बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे खाने के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कर।